लीजिए बच्चों, परफेक्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम, जैसा कि सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और विद्यालय सभी बंद हैं, तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम नाउन के अंतर्गत सीखेंगे जेंडर। इससे पहले मैं बता दूं आपके लिए कि क्रम से ये जो क्लास है ये विधिवत चलेगी। डेली आपको एक क्या नाम से वीडियो के माध्यम से आपको टीचिंग की जाएगी, पढ़ाया जाएगा। और आप उस वीडियो को देखकर इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी। उस एक्सरसाइज को आप बड़े केयरफुली पढ़िएगा और अपनी नोटबुक पर उसको नोट डाउन करिएगा। और उसके बाद उसके सॉल्यूशन करने के पश्चात, उस एक्सरसाइज को करने के बाद, आप उसकी पिक निकाल कर व्हाट्सएप पर आप अपना होमवर्क चेक करा सकते हैं। तो और जो भी डाउट हो, जहाँ पर भी परेशानी आए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजेशन और इंटरजेक्शन। तो नाउन के अंतर्गत सबसे पहले आएगा आपका जेंडर। जैसे कि आपको ही पता है कि नाउन में जेंडर होता है और साथ में आपके जो क्या नाम से नंबर होते हैं, नंबर भी पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहले जेंडर से शुरुआत करते हैं कि आखिर जेंडर होता क्या है। जेंडर में सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है कि जेंडर की परिभाषा क्या होती है। तो देखेंगे सबसे पहले, यानी जेंडर यानी लिंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं लिंग, जेंडर होता क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। जेंडर यानी इसकी डेफिनेशन होती है, जेंडर शोज दैट ए नाउन और प्रोनाउन इज मेल और फीमेल। इसके डेफिनेशन को हिंदी में और विस्तृत अच्छे ध्यान से समझेंगे कि यानी जेंडर यानी लिंग, जेंडर से हमें ये पता चलता है कि नाउन नर जाति का है या मादा जाति का। ध्यान रखिएगा इन दोनों शब्दों पे, ध्यान रखिएगा नर और मादा, ठीक है ना। इससे यानी या तो उसमें नर का बोध होगा या फिर उसमें मादा का बोध होगा या फिर वो नपुंसक होगा या दोनों का बोध होगा, ठीक है ना। इसके द्वारा यानी अपन और क्लियर। अब इसको बांटा कितने भागों में गया है, अंग्रेजी के जेंडर 4 प्रकार में बांटा गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। अब कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, यानी जिसे बोलते हैं पुल्लिंग, अभी इनकी अपन डेफिनेशन भी देखेंगे। दूसरा है आपका फेमिनिन जेंडर। कौन सा, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी इसी को बोलते हैं आपका स्त्रीलिंग, ठीक है ना। और जो आपका तीसरा आएगा वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी इसी को बोलते हैं उभयलिंग। और जो आपका लास्ट है उसे बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इनके द्वारा ऐसे शब्द जो प्रयोग करे जाते हैं, या तो वो कोई पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे या फिर वो उभयलिंग होंगे। उभयलिंग अब आपको अभी विस्तार से बताया जाएगा, उभयलिंग होता क्या है, कॉमन जेंडर जिसे बोलते हैं। उसके बाद में लास्ट है जो न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक। तो पहले से यदि पता हो तो बेस्ट है आपके लिए, फिर भी यदि नहीं आता है तो आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो यह है कि आपको जेंडर की डेफिनेशन याद कर लेना है। जेंडर शोज दैट ए नाउन और ए प्रोनाउन इज मेल और फीमेल। इसी को हिंदी की डेफिनेशन भी कर लेना है, चारों इसके प्रकार याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों क्या करना है, इसके बाद आपका जो सबसे पहला प्रकार होगा मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है ना। मैस्कुलिन जेंडर इसी को यानी पुल्लिंग बोलते हैं, ठीक है ना। पुल्लिंग में सबसे पहले यानी इसकी डेफिनेशन समझेंगे। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, यानी मैस्कुलिन जेंडर यानी जो पुल्लिंग है वो किसको, नर जाति को बोध कराता है। ध्यान रखिएगा आपको इस ये पॉइंट याद रखना है, किसका, नर जाति का, ठीक है ना। ये नर जाति का बोध कराता है, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल किससे समझेंगे, डॉग ये क्या है, नर जाति को बोध करा रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद में अगला है जैसे मेल, मैन, सॉरी मेन यानी आदमी, ये भी नर जाति को, फादर ये भी नर जाति को बोध करा रहा है, यानी फादर यानी पिता, बुल यानी सांड, तो ये भी यानी एक प्रकार से नर जाति को बोध करा रहा है, प्रिंस यानी राजकुमार, एक्टर यानी अभिनेता, और टाइगर यानी बाघ, हॉर्स यानी घोड़ा, और इसके बाद में आपका आता है हीरो यानी बहादुर जैसे कह सकते हैं, और इसके बाद में आता है वाय यानी लड़का। तो ये सभी किसको, नरजाति का बोध करा रहे हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत इनको रखा जाएगा। तो ध्यान रखना है, मैस्कुलिन की डेफिनेशन भी याद कर लेना है। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल,
यानी वो यानी पुल्लिंग शब्द उन्हें कहते हैं जिनके द्वारा नर जाति का बोध होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चों को इसके बाद एक एक्सरसाइज दी जाएगी, आपको वो एक्सरसाइज करनी है। जब तक परिभाषाएं नहीं आएंगी आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझिएगा और जस्ट जहां पर प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका सेकंड जो है वो है फेमिनिन जेंडर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना, कि ये फेमिनिन जेंडर होता क्या है। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, जिसे बोलते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है ना, स्त्रीलिंग यानी इसमें जहां पर स्त्री जाति का बोध होता है वहां पर यानी फेमिनिन जेंडर होता है। इसको भी क्लियर करेंगे अपन। फेमिनिन जेंडर, द फीमेन जेंडर, फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, फीमेल इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सॉरी जरा इसको पीछे करेंगे थोड़ा, ठीक है ना, इसको अपन थे यहाँ पर फेमिनिन जेंडर पर, ठीक है ना। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर यानी इसकी परिभाषा आप देख ही रहे होंगे, जहाँ पर मादा जाति का बोध होता है। मादा जाति से ऐसा ये है, जहाँ पर अभी तक अपन ने पढ़ा था यानी पुरुष जाति का, इसमें मादा जाति का, स्त्री जाति का बोध होगा। जहाँ पर मादा जाति का बोध होगा उसे फेमिनिन जेंडर में रखा जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है वुमेन, सबसे पहला फर्स्ट यानी वुमेन, तो आप देख रहे होंगे ये मादा जाति से, मदर मादा जाति से, और काउ यहाँ पर मादा जाति यानी गाय, और सिस्टर यानी बहन, तो ये सभी मादा जाति को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये आपका यहाँ पर फेमिनिन जेंडर होगा, ठीक है ना। ये क्लियर है, दो आपने सीख लिए, पहला मैस्कुलिन यहाँ पर पुरुष जाति का, और दूसरा फेमिनिन यानी जहाँ पर स्त्री जाति का। इसके बाद में थर्ड आता है आपका कॉमन जेंडर, ठीक है ना, इसके नाम से ही पता चलता है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, उभयलिंग कॉमन जेंडर। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इसमें अधिकांश स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाती है उन्हें कि आखिर इसे किसके अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला है, जैसे इसकी डेफिनेशन में देखेंगे, कॉमन जेंडर उभयलिंग यानी जो ऐसा बोध कराते हैं कि जो नाउन या तो नर है या फिर मादा है, दो में से कोई होगा, नर होगा या मादा होगा, ध्यान रखिएगा। इसकी डेफिनेशन, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और फीमेल। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, आइदर या तो, आइदर मन होता है या तो, आइदर ए मेल या तो वह एक मेल होगा और ए फीमेल, या फिर वो एक फीमेल होगा यानी स्त्री जाति से हो, नर या मादा दोनों इसमें आ सकते हैं। अब कुछ उदाहरण के द्वारा क्लियर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला है आपका बुक सेलर, बुक सेलर यानी जिसे बोलते हैं पुस्तक विक्रेता। अब आप इससे समझ सकते हैं बुक सेलर पुस्तक विक्रेता कौन हो सकता है, शायद मेल भी हो सकता है दुकानदार और फीमेल भी हो सकता है। इसके बाद कजिन, कजिन में चचेरा भाई भी हो सकता है और चचेरी बहन भी हो सकती है। चाइल्ड, चाइल्ड में जरूरी नहीं है कि कोई बालक यानी मेल हो, चाइल्ड माने बच्चा या बच्ची दोनों के लिए प्रयोग होता है। डॉक्टर, डॉक्टर आप समझ सकते हैं, डॉक्टर एक मेल भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है। इसके बाद थीप, चोर, चोर बेसिकली इसमें भी आप समझ सकते हैं कि चोर जरूरी नहीं कि केवल पुरुष हो, महिला भी पुरुष हो, यानी महिला भी क्या नाम से चोर हो सकती है, तो दोनों के लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद पेरेंट, माता पिता। इसके बाद में पर्सन, पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, दोनों आ जाते हैं इसमें, स्टूडेंट दोनों आ जाते हैं, छात्र छात्रा दोनों के लिए स्टूडेंट ही लिखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में इन्फेंट यानी शिशु। इसके बाद में आपका है रिलेटिव यानी संबंधी, बेबी यानी बच्चा, इनिमी माने दुश्मन यानी शत्रु, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। क्लर्क, क्लर्क यानी आपका किरानी जो भी यानी क्लर्क है, बाबू है, तो वो कोई भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। राइटर यानी लेखक या लेखिका दोनों हो सकते हैं। सिंगर, सिंगर माने गायक या गायिका, और बर्ड, बर्ड माने पक्षी, ये कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जहाँ तक है तो कॉमन जेंडर आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे हम कहें स्टूडेंट, स्टूडेंट खड़े हो जाइए, तो स्टूडेंट में आप समझ सकते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है, उसमें कोई लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, तो दोनों के लिए स्टूडेंट प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाएगा। और इसके बाद में आता है आपका जो है लास्ट है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर यानी इसी को बोलते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। यानी नपुंसक लिंग न्यूट्रल जेंडर उन्हें कहते हैं जिनसे नाउन्स के ना तो नर का बोध होता है और ना ही मादा का बोध होता है। ध्यान रखिएगा, द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन नाइदर और मेल और ना और फीमेल। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहले
आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ये बता रहा है ना तो मेल और ना ही फीमेल दोनों, ठीक है ना, ना तो नर होगा और ना ही मादा होगा, कैसे? अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर और मेल और फीमेल, ठीक है, नाइदर, नाइदर माने ना तो वो मेल होगा और ना ही आपका फीमेल होगा। जैसे इसमें देखिए वुड, वुड माने क्या होता, लकड़ी। अब इसमें हम कहें कि ये बताइए पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, नहीं सर कुछ भी नहीं है, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि वुड एक लाइफलेस है, यानी निर्जीव है, लाइफलेस, पर तो इसमें इसलिए इसको लकड़ी को न्यूटर में रखा जाएगा। ऑयल, ऑयल ये भी क्या है, न्यूटर में आ जाएगा। इसके बाद क्रो, अब आप सब कहेंगे कि ये क्रो, क्रो क्या है, कौआ, तो कौआ को ये तो यानी मेल में होना चाहिए, लेकिन कुछ इसमें नीचे आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे एक पॉइंट लिखा है, निर्जीव पदार्थ कीड़े मकोड़े, छोटे बहुत कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो कुछ यानी एक प्रकार से आपके जो यानी किस में आ जाते हैं, यानी न्यूट्रल जेंडर में रखे जाते हैं। नोट लगा हुआ है, आंट जैसे चींटी, एक छोटी सी चींटी है जो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा होता है, तो वो क्या है, वो आपका न्यूट्रल में ही रखा जाएगा, भले ही वो सजीव हो फिर भी आपको एक नोट दिया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। बैच, इसके बाद स्कूल, ये सभी लाइफलेस हैं। विद्यालय, बुक लाइफलेस है, इसमें कोई जीवन नहीं है। पेन, ये ऑब्वियसली आप समझ ही जाएंगे क्योंकि ये न्यूटर में ही होगा। इसके बाद क्लास, कक्षा, तो ये भी न्यूटर में होगा। इसके बाद वॉच यानी घड़ी, ये भी न्यूटर में होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी इसमें आ जाता है कि गुण है, लेकिन इसमें आपको इसी के अंतर्गत रखना है, ठीक है ना, न्यूटर, आर्मी, सेना। तो जितने भी यानी जो आर्मी सेना, एक और इसका पॉइंट है कि जब भी कलेक्टिव नाउन होता है तो हमेशा न्यूटर होता है, कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूटर ही कहलाते हैं। आगे हम नाउन के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है, आर्मी सेना है, बहुत ज़्यादा है लोगों को यानी समूह को इसमें आर्मी बोला जाता है, तो कलेक्टिव नाउन जब भी आता है तो वो हमेशा न्यूटर में रखा जाता है, ध्यान रखना है। और ये नीचे का पॉइंट बड़े ध्यान से देखिए, निर्जीव वस्तुएँ, निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे कीड़े जानवर हैं, ये सब हमेशा न्यूट्रल जेंडर में ही रखे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, टोटल हुए आपके चार प्रकार, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, चारों प्रकार समझ, एक में पुरुष जाति का, एक में महिला यानी स्त्री यानी मादा जाति का, और दूसरे में जो होता है पुरुष या मादा दोनों में से एक हो सकते हैं, और चौथा ऐसा ना तो पुरुष होगा ना ही वह मादा होगा, ठीक है। तो ये चार प्रकार के ही वस्तुएं होती हैं, इनको आपको समझना है, ठीक है ना। इसके बाद आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से देखिए, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग जेंडर नाउंस इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड पुट देम इनटू देयर प्रॉपर कॉलम्स। इसमें वो कह रहा है कि आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको उस कॉलम में पुट करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कप, अब कप को आप किस में रखेंगे, मैस्कुलाइन में रखेंगे या फेमिनिन के नीचे लिखेंगे या न्यूटर के नीचे लिखेंगे या फिर कॉमन के नीचे लिखेंगे, ये आपको यानी तय करना है। आपको यदि परिभाषा आती होगी कि कप, कप तो एक निर्जीव है, वो निर्जीव क्या होता है, मैस्कुलिन में होता है कि फेमिनिन में होता है कि न्यूटर में होता है कि कॉमन में होता है, तो बड़े ध्यान से रखिएगा न्यूटर में ही रखा जाएगा क्योंकि निर्जीव है। आगे मैं आपको बताऊँगा नहीं क्योंकि आपके लिए अभ्यास है, तो आप इसको बड़े ध्यान से करिएगा, जब नहीं आएगा तो मैं इसका साथ में आंसर भी दूंगा लास्ट में, लेकिन सभी स्टूडेंट को करना है। जो भी स्टूडेंट नहीं करेगा ध्यान रखिएगा, उसको आगे से वीडियो नहीं दिए जाएंगे और वो उसको बहुत ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, सभी ये एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद जस्ट दूसरी एक और एक्सरसाइज है जो आपको ये यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है, रिटाइट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें अब थोड़ा सा आपको मीनिंग पावर बहुत ज़रूरी है, दे हैव वॉट ए न्यू लाइन टू द जू। अब इसमें हमने लाइन के नीचे अंडरलाइन रखा हुआ है, अब इसमें वो कह रहा है कि जो भी लाइन अंडरलाइन में हो उसका अपोजिट लिखिए, इसका उल्टा लिखिए, मैस्कुलिन में है तो फेमिनिन करिए और फेमिनिन में है तो मैस्कुलिन करिए, ठीक है ना। जितने भी हैं वो लगभग लगभग मैस्कुलिन में है यानी पुल्लिंग में है, इन्हें स्त्रीलिंग में बदलना है, ठीक है ना। तो खैर ये एक्सरसाइज आगे की भी हो सकती थी अभी, क्योंकि इसका एक और पार्ट टू आएगा जेंडर का, उसमें मैस्कुलिन से फेमिनिन बदलने के नियम बताएंगे, फिर इसके बाद में ये करेंगे तो और बेस्ट रहेगी, ठीक है ना। यदि आपको आती है तो अभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दे हैव, जैसे लाइन का फेमिनिन क्या होता है, लाइनेस, ठीक है ना। तो अभी हम खैर इसका एक पार्ट टू लाएंगे जेंडर का, उसमें आपको हम नियम बताएंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बदला जाता है, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करिएगा तो और बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन पहली एक्सरसाइज जरूर करिएगा,
ठीक है ना। और यदि ये आपको आती है तो ये भी करिएगा, इसका पार्ट टू आपके लिए बताया जाएगा। तो सभी बच्चों अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए, और घर से बाहर कोई भी ना निकलें, यही हमारे माननीय पीएम मोदी जी का आग्रह है। और घर पर ही अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।